नवीनंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं पेपटेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। हम बात करते हैं देश की जो चुनिंदा सीटें हैं जिन पर लोगों की नजरें थीं और अब उन सीटों पर चुनाव परिणाम क्या प्रत्याशा के अनुरूप आए हैं, किस तरीके के चुनाव परिणाम सामने आए हैं, उनको लेकर हम बात करेंगे। और एक बड़ी हॉट सीट की बात की जा रही है हैदराबाद की। हैदराबाद में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने लाकर खड़ा किया था एक फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता माधवी लता को, जिन्होंने अपने बयानों की वजह से खलबली मचा दी थी। और भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि यही एक चेहरा है जो ओवैसी के खिलाफ दमदार साबित हो सकता है। हालांकि अंदर खाने की अगर खबर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये खुद समझती थी कि ओवैसी को गढ़ को ढहाना बहुत सहज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फाइट देने की बात जो चल रही थी उसको लेकर उन्हें माधवी लता का नाम सबसे सटीक लगा, सबसे ठीक लगा। और उन्हें ये लगा कि महिला होने के नाते महिलाओं का वोट बैंक जो है वो शायद खिसक सकता है, और यही वजह रही कि उन्होंने माधवी लता को सामने रखा। माधवी लता जो कि तेलुगु और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री भी रही हैं। 2018 में माधवी लता ने बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बुरी तरह पराजित हुई थी और चौथे स्थान पर आई थी। लेकिन उस क्षेत्र में लगातार काम करने की वजह से माधवी लता को संसद का चुनाव लड़ाया गया और उन्हें एक बड़े पहाड़ से टकराने के लिए केंद्रीय आला कमान ने आदेशित किया। इसके बाद क्या स्थिति रही, आइए देखते हैं इस वीडियो में। माधवी लता ने जब ओवैसी के खिलाफ ताल ठोकी तो उन्होंने नरेंद्र मोदी और सनातन धर्म का नाम लेते हुए जीत का दावा किया था। 2018 में माधवी लता ने बीजेपी ज्वाइन की थी। वे एक हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा सुखद संदेश भी था कि उस क्षेत्र में एक हिंदुत्व का चेहरा सामने आ रहा है। 2018 में ज्वाइन करने के बाद 2018 में ही उन्होंने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा, लेकिन चौथे नंबर पर आए। इसके बाद फिर उन्होंने अब ये हैदराबाद की सीट से संसद का चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी अपने फील्ड के पुराने खिलाड़ी हैं और 2004 से लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। इसके पूर्व उनके पिता भी यहाँ पर राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति रहे हैं और यही वजह है कि उनकी परंपरागत सीट रही है। आसपास के क्षेत्र में भी उनका पर्याप्त दबदबा है। और इस बार जब माधवी लता सामने आई तब एक बार फिर से उन्होंने अपनी हुंकार भरी और लगभग 3.5 लाख वोटों से वो खबर दिखाए जाने तक आगे चल रहे थे। यानी कि अब इस स्थिति में माधवी लता स्पष्ट समझा जा सकता है कि वो किसी भी तरीके से वापस नहीं आ सकती थी। इतनी बड़ी लीड उनको कवर करना काफ़ी मुश्किल साबित होता। माधवी लता अपने बयानों के लिए भी जानी जाती हैं। जब चुनाव के बाद परिणाम आने का इंतज़ार हो रहा था तब उस दौरान उन्होंने तमाम विवादास्पद बयान दिए थे, जिसमें यह कहा था कि परिणाम आ जाने दीजिए, ओवैसी को तड़ीपार किया जाएगा। इसके अलावा ये बात से ज़रूर समझा जा सकता है कि माधवी लता ने जब चुनाव हुए तो उसी दौरान अपनी हार का अंदेशा उनको लग रहा था, क्योंकि उन्होंने बोगस वोटिंग का आरोप भी लगाया था और ये कहा कि बड़ी संख्या में बोगस वोटिंग हुई है और बोगस वोटिंग कराकर जीतना कौन सी बड़ी बात होती है। यानी कि उनको ये अंदाज़ लग रहा था कि कहीं ना कहीं वे चुनाव में ओवैसी के खिलाफ खड़ी ज़रूर हैं, लेकिन वो दूर दूर तक इस चुनाव में कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को एक चेहरा ऐसा मिल गया है जो कि फिल्मी दुनिया से आती हैं और उस क्षेत्र में फिल्मी दुनिया के लोगों को बड़े ही अलग ढंग से, सम्मानीय ढंग से देखा जाता है। तो ऐसे में आगे की राह माधवी लता के लिए काफ़ी आसान होने वाली है, लेकिन फिलहाल उन्हें 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें कौन सा पद देकर कुछ दिनों के लिए संतुष्ट रखती है, किस काम में लगाती है और अगले बार के चुनावों में क्या स्थिति सामने आती है।